सेटअप मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग अरे सेटअप में एक चीज़ लेकिन बहुत क्लियर है हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है ना उन्होंने एक चीज़ तो बोल दी है एफ को कि जितना बेचना है आपको बेच लो हम सब एब्जॉर्ब कर देंगे मतलब आप देखिए कितने एक से एक मतलब इतने बड़े बड़े नंबर एब्जॉर्ब होना आशीष एक टाइम था ये नंबर्स मंथ के नंबर्स होते थे जो आज की डेट में दिन के नंबर्स हो गए हैं एफ के एक एक दिन के मतलब सात सात हज़ार करोड़ की सेलिंग एब्जॉर्ब होना मतलब हम नियरली बिलियन डॉलर डेली की बात कर रहे हैं ठीक है ना वो उस तरीके का पैसा डोमेस्टिक तरफ से आ रहा है ये मतलब अपने आप में ये अपने आप में आपको ये बता रहा है कि इंडिया की जो इक्विटी कल्ट है और जो डोमेस्टिक इक्विटी की पावर है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की पावर है वो कितनी ज़्यादा है ये एक और रीज़न है कि मैं थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में एक जैसे कहते हैं ना एक परमा बुल हो गया हूँ मतलब परमा बुल इन सेंस फ्रॉम इन्वेस्टिंग साइड नॉट फ्राम ट्रेडिंग साइड फ्रॉम इवेस्टिंग साइड ट्रेडिंग साइड में तो कभी आपको परमा बुल परमा बैंड होना चाहिए लेकिन क्योंकि जितनी सेलिंग आ रही है सब ऑब्जॉर्ब हो रही है इंडेक्स फ्यूचर्स में भी कल सेलिंग आई करीब करीब उन्नीस करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग आई करीब करीब एक करोड़ की एफ आई एस ये नेक्स्ट प्लेट की बात कर रहे हैं हम चलिए पहले हाँ ये देखिए और जहाँ तक विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स है उसमें निफ्टी फ्यूचर्स में कम 104 करोड़ लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ज़्यादा सेलिंग हुई बैंक निफ्टी फ्यूचर में करीब करीब सत्रह करोड़ की सेलिंग हुई यहाँ पर ये आ, रोज के स्टैंडर्ड टेम्परेट है इसको थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं तो यहाँ पर आ, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी आज निफ्टी की एक्सपायरी तो कल थोड़ी सी बैंक निफ्टी की सेलिंग हुई उस फ्यूचर्स में वहाँ पर अब ट्रेंड देखिए आप ट्रेंड में वापस मुझे वही देखने लग गया जो मैं देखना चाहता हूँ कि शॉर्ट्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं तीन चार दिन से सब एक दिन को छोड़ दीजिए शॉर्ट्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं इनफैक्ट कल का ट्रेंड देखिए कल ग्यारह हज़ार लॉन्ग कटे सिस्टम में एफ की तरफ से और करीब करीब पंद्रह हज़ार शॉट्स जुड़े यहाँ पर सिस्टम में एक लाख बावन हज़ार लॉन्ग और दो लाख चौवालीस हज़ार शॉर्ट मतलब अब नेट नेट जो अगली टेबल है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है पच्चीस हज़ार लॉन्ग से हमने शुरुआत की थी मई मही के महीने की और अब हम आ गए हैं करीब करीब नब्बे से ऊपर शॉट्स पर मतलब ऑलमोस्ट एक लाख शॉर्ट्स पर हम वापस पहुँच रहे हैं थर्टी लॉन्ग पोजिशन पर नॉर्मली नॉर्मली मार्केट बॉटम आउट होता है करीब करीब तीस की जब एफ लॉन्ग होती है और जब ये नंबर 1.4 लाख पर आता है अब ऑब्वियसली क्योंकि ये इलेक्शन वाला टाइम है हो सकता है मार्केट में थोड़ी अति हो जाए ये पॉसिबल है थोड़े से और शॉर्ट्स ऐड हो जाएं लेकिन ये शॉर्ट्स अल्टीमेटली तो कवर होंगे और वहाँ पर अच्छी कवरिंग आएगी इंडिया वेक्स फिर ऊपर आया हल्का सा ही ऊपर आया इस बार लेकिन सेवनटीन पर आ गया अब एटलीस्ट मार्केट में कॉम्पटिसंसी ख़त्म हो गई है वो जो दस ग्यारह वाली वेक्स थी जो कह रहा था कि मार्केट सिर्फ वन वे ही ऊपर जाएगा पहली बार मार्केट में डर का माहौल है ठीक है किसी भी कारण से सही पुटकोल रेशो भी पॉइंट सेवन सेवन पर है वर्सेज पॉइंट सेवन एट तो सेटअप ओवरऑल तो ओवरसोल्ड है लेकिन इस मार्केट को कुछ ट्रिगर चाहिए चलने के लिए और ट्रिगर इस समय एक ही है इलेक्शन का रिजल्ट ठीक है तो अब ऐसा है कि चार जून तक आपको इसी तरीके से वॉलीटाइल मार्केट में ही थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ेगा बैन में भी तीन स्टॉक दो स्टॉक ऐड हो गए कैनरा बैंक और पिरम्बल एंटरप्राइजेस और ऑलरेडी सात आठ स्टॉक पहले से थे तो करीब दस स्टॉक हो गए बैन में लेकिन सेटअप से आज कोई हेल्प आपको मिल नहीं रही है मोर कन्फ्यूजन पहले ही कन्फ्यूजन का माहौल है और ज़्यादा कन्फ्यूजन ही है इस समय मार्केट में अच्छा एक और चीज़ है मार्केट आपको कई बार ये मैसेजेस भी देता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिंग करनी ही करनी है ये वो वाला फेज़ है मार्केट का जिसमें आप अपना पैसा बचाइए देखिए अगर मैं ट्रेडर होता ना इस समय तो मैं अपना ट्रेडिंग कैपिटल को कैश आउट कर लेता और अपने बैंक में डाल देता भले ही कॉल मनी में डाल देता जिस मजे में डाल देता और ये एक डिसाइड कर लेता कि मुझे चार जून तक ट्रेडिंग करनी ही नहीं mm. चाहे जो मर्जी हो जाए जो मर्जी टेम्पटेशन हाँ अनलेस फुल टॉस मिले वो अलग बात है अदरवाइज़ क्योंकि इस तरीके की मार्केट में ना आप फिर जब बड़ा मौका आएगा तब आपके पास कैपिटल नहीं होगी mm. <laughs> प्रॉब्लम ये हो जाएगी mm. आप अपने आप से पूछिए मैं लोगों से ये पूछूंगा सवाल कि पिछले दो हफ्ते में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ओवर ट्रेडिंग करके ज़बरदस्ती पैसा खो दिया और अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है ठीक है तो इसके लिए मार्केट में फेजेस आते हैं जब अच्छे फेजेस आए ना जैसे कि दो महीने पहले आया था तब चौके छक्के मारिए कल का मैच देखा था आपने आई वाला कल उन्होंने नौ ओवर में एक रन चेज कर डाले सनराइजर्स ने विदाउट लूजिंग अ विकेट तो वो ट्रेवे साइड और अभिषेक ने उन्होंने नौ ओवर में बना दी वो तो पिच ऐसी थी वो जब पिच बेकार हो तो आप 20 ओवर में भी 140 नहीं बनते कल उन्होंने 10 ओवर में बना डाले एक रन तो इस समय मार्किट की पिच थोड़ी सी खराब है तो उसी हिसाब से बैटिंग करिए थोड़ा तो सा अवॉइड करिए करिए भाई थोड़ा तो सा प्रॉफिट्स बुक हल्की करिए कैश रखिए ज्यादा बेहतर होगा कंपल्सिव मत बनिए ट्रेडिंग में ये समय नहीं है शायद बढ़िया पैसा बुनाने का इस समय भारतीय बाजारों में तो फिर भी निफ्टी का अप्रोच तो जानना जरूरी अप्रंट कुछ कमेंट्री आ गई कल कल एक चीज अच्छी हुई कि बस पिछले कई दिनों का जो ट्रेंड था वो तो एटलीस्ट बदला खुलते थे ऊपर दिन के लोस पे जाके मैसिवली ऑफ हाईस बंद होते थे ब्रॉडर मार्केट डिटोरिएट हो रहे थे कल एटलीस्ट थमा सब कुछ लोअर लेवल से रिकवरी की कुछ कोशिश कर रहे थे ऑफ लोज बंद हुए ब्रेथ ठीक थी तो, तो स्क्रीन फिर भी कल बेहतर थी इन कंपैरिजन लेकिन लग कह रहा है कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा कल निफ्टी को है नहीं? नहीं, कल निफ्टी को देखकर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कल एक चीज़ है कल मार्केट का जो लो था कई बार ऐसे होता है अगर आप परसों का लो तोड़ते हैं मतलब पिछले दिन का लो तोड़कर फिर रैली दिखाते हैं तो वो लो जो होता है वो एक सिग्निफिकेंट लो बन जाता है बाईस एक सौ आज मैं पहले रेजिस्टेंस की बात करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट थोड़ा चलेगा इसके लिए बाईस तीन से बाईस चार ये आपकी पहली रेजिस्टेंस है देखिए जोन थोड़े छोटे हो जाएंगे क्योंकि हम एक्सपायरी वाले दिन पर हैं कल का हाई बाईस तीन और ट्वेंटी डेमा बाईस चार और अगर ये निकला तो उसके बाद तुरंत बाद एक और बड़ी रेजिस्टेंस आएगी आपके लिए बाईस चार सौ पैंतीस से बाईस चार सौ पचहत्तर बाईस चार सौ का कॉल राइटर बाईस चार सौ पचास का कॉल राइटर जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट लेकर बैठा है बाईस पाँच सौ में बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी क्योंकि वो बहुत दूर का हो जाएगा इसके लिए तो ये बड़ी रजिस्टेंस है सपोर्ट यहाँ पर अब एक ही बचा है बाईस एक सौ पिचासी से बाईस दो सौ पचास का जोन कल का लो और फिफ्टी डेमा ये अगर टूटा तो उसके बाद इक्कीस आठ सौ से बाईस हज़ार तक मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं है और ये टूटा तो इक्कीस आठ सौ से बाईस हज़ार बहुत फास्ट आएगा मार्केट में तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ट्रेड क्या होगी सेल जोन है बाईस तीन सौ से बाईस तीन सौ पचास का अगर मैं बार बार बोलता हूँ अगर स्टम्बल हुए तो हम और स्टॉप लॉस लगा दीजिए बाईस चार सौ का यहाँ पर और बाय का जोन है बाईस दो सौ पचास से बाईस तीन सौ का और एक बहुत टाइट एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं बाईस एक सौ पचासी का स्टॉप लॉस लगाकर उसमें ट्रेड करिए दोनों तरफ की ट्रेड आज वैसे ही एक, वीकली एक्सपायरी है दोनों तरफ की ट्रेड्स अगर आप कर सकते हैं गुड फॉर यू नहीं कर सकते थैंक यू मच स्टेट बिल्कुल ठीक। hmm. निफ्टी का अप्रोच, हो सकता है, आज का दिन निफ्टी थोड़ा बेहतर कर ले। खैर, खुलने देते हैं अप्रोच पे और रिविजिट करते रहेंगे निफ्टी बैंक दिखाई स्क्रीन पे, थोड़ा सा वो पॉकेट भी क्योंकि सल्क कर रहा था कल इनकी एक्सपायरी का दिन था हो गई कल एक्सपायरी

अच्छे नंबर के बावजूद आई सी आई सी आई बैंक चलानी है ठीक है ना तो ये एक दिक्कत है एच डी एफ सी हमको सबको पता है वो वोट किस करवट बैठेगा पता नहीं हमको लेकिन आई सी बैंक का थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए क्योंकि इसका चलना ज़रूरी है अगर मार्केट को चलना है तो खैर नहीं भाई रेंज बता देता हूँ मैं आपको फोर्टी सेवन एट फिफ्टी टू फोर्टी एट टू फिफ्टी ये है छोटी रेंज बैंक निफ्टी में कल का हाई और कल का लो मतलब थोड़ा बहुत मैंने उसको एडजस्ट किया है लेकिन मोर और लेस ये एक आपके लिए छोटी रेंज है और बड़ी रेंज है आपकी 47620 से 48475 जो ऑप्शंस के हिसाब से मंथली ऑप्शंस के हिसाब से आज बैंक निफ्टी में मैं कोई प्री मेडिटेटेड ट्रेड नहीं लेके चल रहा हूँ लेकिन मैं एक चीज़ लोगों को बोल रहा हूँ तैयार रहिएगा बैंक निफ्टी में एक जहाँ पर भी एक बड़ी ग्रीन बार दिखे ना पहले पंद्रह मिनट के एक्शन के बाद वहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड विद डे लोअर स्टॉप लॉस यहाँ पहली अगर ग्रीन रेड मतलब एक बड़ी रेड बार दिखे तो सेल ट्रेड विद डे हाईस्ट स्टॉप ये मतलब स्क्रीन देखकर ही आपको कॉल लेना होगा विद इन दिस रेंज वो जो रेंज मैंने बता दिया उस रेंज में उसके हिसाब से फिर बोल रहा हूँ अगर आप नहीं कर सकते इस तरह की ट्रेड दोनों तरफ की तो थैंक यू वेरी मच कोई ज़रूरत नहीं है स्टॉक्स पर फोकस करिए फिर बिल्कुल ठीक और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़िया चल ही रहा है